हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन। तो सबसे पहले मैंने, आप देख सकते हैं, क्लीन किया हुआ 1 किलो चिकन ले लिया है यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ पर डाल रही हूँ कढ़ाई में मैरिनेशन के लिए। ये मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। गाइस, मैंने ये 1/2 kg कर्ड ले लिया है, इसको अच्छे तरीके से मैं फेंट लूंगी। ये देखिए, इसको थोड़ा सा विस्क की मदद से मैं फेंट लेती हूँ ताकि एकदम ये पतला हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट। और इसको हम ऐड कर देते हैं इसमें हमारे चिकन पे। ये सारा मैंने इसमें कर्ड डाल दिया है। अब गाइस, इसमें सरसों तेल मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच। ये देखिए, 1 बड़े चम्मच मैं इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डाल रही हूँ। 1 बड़े चम्मच रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे क्योंकि बटर चिकन है तो थोड़ा मीठा ही होता है, इसलिए थोड़ा चटपटा बनाना है अपन को। मैं थोड़ा चटपटा पसंद करती हूँ। अब ये 1 कोरिएंडर पाउडर का स्पून डाल रही हूँ मैं, थोड़ा ही बड़ा वाला है स्पून, तो मैंने 2 डाले हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1/2 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मैंने एक छोटा हैंडफुल लिया है, मेरे हाथ छोटे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हैंडफुल ऑफ मैंने कसूरी मेथी लिया है, इसको भी क्रश करके मैं डाल रही हूँ। अब हमारे चिकन को हम अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेते हैं, मसाज इसको दे देते हैं, और रेस्ट करने के लिए 1 आवर के लिए मैं रख दूंगी क्योंकि मुझे तो तुरंत तुरंत बनाना है। आप चाहे तो रात भर भी इसे रख सकते हैं फ्रिज में। 1 किलो चिकन के लिए हमने 1/2 किलो ही दही लिया है। आप अपने हिसाब से थोड़ा अगर कम लगे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये देखिए, दोनों हाथों से अच्छे तरीके से मैरिनेशन को लगाना है यहाँ पर। एक एक पीस में अच्छे तरीके से इसे मैरिनेट कर लेंगे। गाइस, अब हम इसे ढक देते हैं कम से कम 1 घंटे के लिए। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 घंटा हो चुका है और हमारा चिकन हो चुका है अच्छे तरीके से मैरिनेट। ये देखिए, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने हीट कर लिया है कढ़ाई को। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर। तो देखिए, ज़्यादा नहीं लिया मैंने, थोड़ा सा बटर लिया है अभी। और मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ करने वाली हूँ इसमें। मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, ऑलिव एक्टिव का ऑलिव ऑयल। तो इसमें मैरिनेटेड जो चिकन है हमारा, हम उसको फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, ये देखिए, बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, थोड़ा सा और ऐड किया है मैंने इसमें। अब अपने हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें चिकन ऐड करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे चिकन के पीस में आ गए। मैं डायरेक्ट ही इसमें डाल दे रही हूँ। ड्राई बना सकते हैं। अभी इसकी और भी ग्रेवी रेडी करेंगे हम बटर चिकन की। ये अभी मैरिनेशन वाला पार्ट के साथ मैं इसको कुक कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ढक दूंगी अभी, 10-15 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ढक देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेशन के साथ कुक हो जाए। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा चिकन एकदम अच्छे तरीके से, देखिए, ऑयल रिलीज हो चुका है, अच्छे तरीके से ये कुक हो चुका है। ये देखिए, पीसेस देखिए, अभी से पूरा एकदम टेंडर हो गए, अलग अलग निकल गए। सो गाइस, अब बटर चिकन की ग्रेवी रेडी करने का समय आ चुका है। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, बटर ले लेती हूँ मैं, जो भी बचा कुचा है अभी मेरे पास। ये देखिए, सारा बटर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और थोड़ा सा देसी घी भी डाल दूंगी इसमें मैं। ये मैंने पूरा बटर ऐड कर दिया इसमें। गाइस,
घर का बना हुआ प्योर देसी घी है, अगर आप बोलेंगे तो इसकी रेसिपी भी आपको जरूर देखने को मिलेगी। देखिए मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें ऐड कर दिए हैं और ये देखिए अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे हम। अब गाइस इसमें मैंने 2 तेज पत्ते बे लीव्स ऐड कर रही हूँ, फिर 1 छोटा चम्मच मैं जीरा ऐड कर रही हूँ इसमें। इसके बाद मैं इसमें लौंग ऐड करने जा रही हूँ, जो कि 5 से 6 लौंग इसमें डाल रही हूँ मैं। इसमें 2 इलायची हरी वाली मैंने खोल कर डाल दी है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्चें, काली मिर्चें मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, कम से कम ये 7-8 हम काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं इसमें और इसे हिला लेंगे। सूखी लाल मिर्चें भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, 4 पीस मैंने ऐड कर दी है। अब 1.5 बड़े चम्मच मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। सॉटे कर लेते हैं अच्छे तरीके से हमारे मसाले को, खड़े मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ हमारे कटे हुए 4 से 5 प्याज, पतले पतले स्लाइस किए हुए हैं। मैंने छोटे छोटे मीडियम साइज के 5 प्याज लिए हैं, उनको स्लाइस कर दिया है। अब हम इसे भी भून लेंगे, इसे काम मीशन करना है हमें हमारी ग्रेवी के लिए, इसलिए स्लाइस करते हुए मैंने इसे कर दिया है। ग्रेवी बन जाएगी गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं अनियन कैरमलाइज हो चुके हैं हमारे। अब इसमें ऐड अंदर करने वाली हूँ, ये हमारे काजू और मगज का जो है भिगोया हुआ सोक किया हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 50 ग्राम के करीब मैंने काजू लिया है और 20 ग्राम के करीब मैंने मगज लिया है। गाय इसे भी अच्छे तरीके से हम सौते कर लेंगे, ये जैसे मैंने मिला लिया है। और टमाटर डालने की बारी आ गई है, 2 मिनट इसको भूनेंगे। इसके बाद टोमेटो मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर काटे हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। गाय अब 4 टमाटर जो कट किए थे मैंने चॉप किए हुए वो इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे भी हम साथ में ही भून लेंगे अच्छे तरीके से। गाइस थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी ग्रेवी जो है थोड़ा गर्दी पक जाए स्वाद अनुसार। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हिला रहे हैं और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। गाइस हमारी ग्रेवी जैसे कि आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है। अब मिक्सी में हम इसे ठंडा कर लेगा, ब्लेंड कर लेंगे। सो गाइस ग्रेवी हमारी ठंडी हो चुकी है जैसे कि थोड़ी सी। अब हम इसमें से खड़े मसाले निकाल लेंगे, जैसे कि ये देख सकते हैं बे लीव्स को मैं साइड कर रही हूँ। इलायची निकाल लूंगी मैं इसमें से, इलायची भी ये देखिए छोटी छोटी जी मुँह पे जो जो चीज़ें आती है इसको हम साइड कर लेंगे। फ्लेवर के लिए हमने यूज़ किया था इसे। मिक्सी गाइस मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच बटर ले लिया है, अच्छे तरीके से मैं इसको गरम कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कसूरी लाल मिर्च है नहीं एक्चुअली कलर वाली। आप चाहे तो कलर वाली या फूड कलर यूज़ करें, मैं विदाउट फूड कलर बनाती हूँ। ये देखिए हमारी ग्रेवी बहुत प्यारा रंग आया है इसका। अब इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, इसे हम कुक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर लेती हूँ जो बची हुई हमारी ग्रेवी है उसके लिए। देखिए अच्छे तरीके से हम हमारी सारी ग्रेवी निकाल लेंगे। तो गाइस हमने टमाटर की खटास को थोड़ा सा बैलेंस करना है, उसके लिए मैं 1 छोटा चम्मच एक शक्कर डाल रही हूँ, 1 स्मॉल स्पून मैंने लिया है टेबल स्पून शुगर और इसमें ऐड कर रही हूँ।
ताकि ज्यादा तीखा भी ना रहे और खटास भी ना लगे, बैलेंस हो जाए हमारी ग्रेवी। गाइस अब इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया है और मैंने ये घी का पेस्ट बनाया है एक। इसमें मैंने घी, चिकन मसाला डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें बटर भी ऐड किया है। इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जिससे फ्लेवर एनहांस होके आएंगे। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसकी रंगत देखिए कैसे चेंज हो जाएगी। देख सकते हैं ग्रेवी रेडी हो चुकी है और हमारा जो चिकन था अब हम इसे इसमें ऐड कर देते हैं। सारा चिकन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए सारा ग्रेवी जो भी था बटर पूरा निकाल के मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। गाइस अब देखिए हमारा जो ग्रेवी में है अच्छे तरीके से हम इसे कोट कर रहे हैं। बटर चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अच्छे तरीके से पीसे इसको ग्रेवी में मिक्स कर देते हैं। गाइस हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। क्रीम आप चाहे तो मलाई